अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मेरा मनी प्लांट जिसको कह रहे हैं गोल्डन पोटोस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आते हैं और वैरायटी के साथ साथ इसको आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जैसा कि ये मैं लगाए हुए मोइस्टिक के साथ, बहुत अच्छा ग्रोथ है मोइस्टिक के साथ। ये जो टाइप है ये भी गोल्डन पोटोस है लेकिन अलग टाइप है, ये भी मोइस्टिक के साथ लगा हुआ है। और ये जो है ये भी गोल्डन पोटोस है जिसको मैंने एक टावर के साथ ऐसा राउंड राउंड बना के लगाया हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग इसको मोइस्टिक के साथ लगाए हुए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उसका इसका एक ही ध्यान रखना कि आपने लाजिम जो मोइस्टिक है ये मोइस्ट होना चाहिए पानी से। अगर गर्मी का टाइम है तो एटलीस्ट डेली या ट्वाइस ए वीक एटलीस्ट, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है और इसको अब ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेगा या ज़्यादा मॉइस्चर रखे तो उसका भी ये है कि जैसे कि आप ये पत्ता देख रहे हैं ये येलो हुआ है, ये ओवर वाटर साइन है। या ये भी मॉइस्चर के साथ लगा हुआ है, गोल्डन पोटोस है। इसका ये लेव्स आप देख रहे हैं, ये अंडर वाटर साइन है। और ये सनबर्न का भी साया तय कर यहाँ से पूरा ये ऐसा हो जाए जैसा कि ये सेंटर पे इधर या कॉर्नर पे पूरा अराउंड, तो ये जो है ना ये सनबर्न है, तो अब ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ये मॉइस्टिक को मॉइस्ट करने के लिए ये फ़ायदा है कि मैं आपको अभी ये दिखाएगा, देख रहे दोस्तों ये जो बेल है देखा, ये पूरा ड्राई है, ये पूरा ड्राई है। और यहां से अगर आप देखेगा ये पूरा बहुत डेंस प्लांट है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा दिखाने में। ये देखा दोस्तों, ये पूरा ड्राई है, ये पूरा ड्राई है। यहाँ से इसने दोबारा अपना ग्रोथ को कंटिन्यू रखा हुआ है, कंप्लीट ग्रीन है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स होते हैं ये दोबारा ऊपर गिया हुआ है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अगर आप इसके नीचे ये देखेगा तो ये कम्प्लीटली ड्राई है। तो अगर इसको आप मॉइस्चर नहीं देगा मॉइस्टिक को, तो ये प्लांट यहाँ से जो अभी यहाँ तक कम्प्लीटली ड्राई है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ये रूट्स को पानी नहीं मिलेगा। तो कंपलसरी ये है कि आप इसको कभी भी अन ड्राई नहीं छोड़ना, तो प्लांट ऊपर भी ऐसा जाएगा ज़बरदस्त, इवन ये प्लांट भी हो। देखो छोटा सा प्लांट है, छोटा सा गमले में लगा हुआ है, कितना खूबसूरत प्लांट है। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये भी तीसरा गमले में लगाया हुआ है। और प्लांट लेने के टाइम पे कभी भी आप ट्राई करो कोई जिसका बेल समझो मोटा हो, उसका पत्ते भी ऐसा बड़ा बड़ा पत्ता आएगा, मोटा बड़ा बड़ा पत्ता आएगा। अगर जिसका ये बेल बहुत पतला हो तो याद रखो कि उसका पत्ते भी चोट आएगा। और सबसे इसको जो है ना ज़बरदस्त अच्छा बात तो ये है कि आप इसको अगर मिक्स लगाएं या नर्सरी शॉप से ले लें, अगर ये मिक्स हो समझो एक पत्ता गोल्डन हो, एक बेल जो है ना आप गोल्डन पोटोस लगाओ, दूसरा सिल्वर लगाओ, तीसरा कोई और टाइप ऐसा कि ग्रीन है, तो ये इसका कम्बिनेशन होगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्लांट है, लकी प्लांट है। और जैसा मैं पहले बताया कि इसको आप जो है ना इवन हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और गर्मी भी जो है ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं, समर में भी ये ख़राब नहीं होगा। इतना है कि बस इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट सुबह को हो
या शाम का इवनिंग के टाइम पे सनसेट के टाइम पे हो तो अच्छा है। अगर नहीं है तो फिल्टर लाइट या इनडायरेक्ट लाइट भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों एक एयर प्योरीफिकेशन जो है ना प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है, और इसका केयर भी बहुत कम केयर मांगते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को अपने घर में लाजिम रखो, क्योंकि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और पिंगशोई प्लांट है, और इसको केयर भी ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ बस विंटर के टाइम में अगर आप इसको फर्टिलाइजर रखना चाहते हैं, फर्टिलाइजर करना चाहते हैं, तो जस्ट एनपीके, लेकिन यूरिया कभी नहीं डालने का। याद रखो यूरिया जो होता है ना वो प्लांट को जला देते हैं, ग्रास के लिए खाली होते, दूसरे फसल के लिए होते हैं। इंडोर प्लांट के लिए आप ट्राई ये करो, अगर आपके रूम के अंदर है तो मैं रिकमेंड करता हूं, कभी जो है ना जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, समझो कोई भी फर्टिलाइजर है ज़्यादा यूज़ नहीं करो। अगर विंडो ओपन है तो नीचे के छोटा मामूली क्वान्टिटी पर डालना मुश्किल नहीं, लेकिन सबसे अच्छे इसको है अगर ये विंटर में आप थोड़ा सा एनपीके या कोई भी ऐसा उसके सेम अगर आप पानी में मिक्स करके सोइल में थोड़ा डालें तो उसका ग्रोथ अच्छा भी होगा, और ये समर टाइम पे जो है ना इसको और भी एकदम जो है ना ऐसा बुशी होगा। तो अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।